सामने आ रही है। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का एसआई सर्वे करेगी और टीम देखिए पहुंच चुकी है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एएसआई के रिटायर्ड अधिकारी भी टीम में शामिल है। ज्ञानवापी परिसर में दोनों पक्षों के लोग मौजूद हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे किया जा रहा है। 30 सदस्यीय एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में पहुंच चुकी है और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट देनी है। मिट्टी के भी सैंपल इसमें लिए जाएंगे तो हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद है। वाराणसी से बड़ी जानकारी आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। 30 सदस्यीय टीम परिसर में पहुंच चुकी है और इसके सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो देखिए टीम जो है वो परिसर में दाखिल हो चुकी है। एसआई टीम का काफिला पहुंचा है ज्ञानवापी परिसर। ज्ञानवापी परिसर का आज से सर्वे जो है वो शुरू हो गया है। सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और छावनी में तब्दील हुआ है ज्ञानवापी परिसर। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लेकिन ज्ञानवापी सर्वे से पहले भगवान शंकर का जलाभिषेक हुआ। वादिनी ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया और उसके बाद देखिए एएसआई की जो टीम है वो ज्ञानवापी परिसर में पहुंच चुकी है। सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए ज्ञानवापी परिसर से में जो टीम है वो दाखिल हो चुकी है। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से और विनीत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनीत आपका रुख करते हैं, क्या चहल पहल इस वक्त वहां पर मौजूद है? 30 सदस्यीय टीम जो है कहा जा रहा है कि परिसर में दाखिल हो चुकी है और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का माहौल वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है विनीत? बिल्कुल साथियों, देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है और काफी भारी संख्या में जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच जो है एएसआई की जो 30 सदस्यीय टीम है वो अंदर पहुंच चुकी है। सर्वे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो 4 वादनी महिलाएं हैं उनके साथ जो 4 अधिवक्ता है वो परिसर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर की जो एएसआई सर्वे की कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी लंबे समय से जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इसको लेकर के दावा कर रहा था कि कहीं ना कहीं मस्जिद से पहले वहां पे आदि विश्वेश्वर विराजमान हुआ करते थे। तो इसको लेकर के जिस प्रकार से जो लगभग 350 साल पुराना विवाद था वो अब जो है क्लियर होने पर आ गया है। लगातार जो लोग हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हिंदू पक्ष को भी वो नहीं था कि आज इस तरीके से सर्वे की कार्रवाई हो जाएगी। हिंदू पक्ष इसको लेकर के आश्वस्त तो था लेकिन इतना जल्दी कार्रवाई होगी इसको लेकर के हिंदू पक्ष जो है इतना आश्वस्त नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से रातों रात ये फैसला लिया गया क्योंकि 4 अगस्त को जो सर्वे कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी तो इसको लेकर के जो 4 सदस्यीय वकीलों की टीम है इसके अलावा जो 4 वादनी महिलाएं हैं वो अंदर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब पूरे कार्रवाई में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास निकल कर आता है क्योंकि जो एएसआई की टीम है वो अपने साथ खुदाई के सामान इत्यादि जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर गई है तो अंदर खुदाई भी की जा सकती है। कहीं से भी कोई भी कोताही देखने को नहीं मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर अशोक मुता जैन ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई थी। जिला मजिस्ट्रेट भी उस बैठक में शामिल थे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एटीएस की टीम लगाई गई है। खुफिया विभाग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर नजर रखा जा रहा है। पिछले जो सर्वे कमीशन की कार्रवाई जो वीडियोग्राफी हो रही थी अंदर पहुंची हुई है और सर्वे की शुरुआत हो गई है। एएसआई टीम के अलावा और कौन जो वो लोग हैं जो कहा जाए कि एएसआई की टीम के साथ में परिसर के अंदर दाखिल हुए हैं और एएसआई का जो सर्वे है उस पूरे दौरान वो लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे? कौन कौन लोग अंदर गए हैं? बिल्कुल शांतनु, देखिए एएसआई सर्वे की टीम के साथ जो 4 वादनी महिलाएं हैं
वो अंदर गई हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, वो कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य है वो भी अंदर मौजूद है। तो इन लोगों के मौजूदगी में अंदर की कार्रवाई की जा रही है। पिछले जब वीडियोग्राफी की कार्रवाई की जा रही थी तो हमने देखा था कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भारी संख्या में जो मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे तो उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे प्रश्नचिन्ह लगा था। तो इसको लेकर के इस बार जो है कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सर्वे कमीशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे सर्वे में क्या कुछ खास निकल कर आता है और इसको लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता से भी बातचीत की, वादनी महिलाओं से भी बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से आज सावन का तीसरा सोमवार है, कहीं ना कहीं जो सर्वे कमीशन की कार्रवाई हो रही है वो हम लोगों के पक्ष में आएगा और जो ज्ञानवापी मस्जिद के पहले आदि विशेष्वर विराजमान थे वो जो है साक्ष्य सबके सामने आएगा और वो देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे कमीशन की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल रोहित जी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए जिस तरह से सर्वे जो है वो हो रहा है तो इसकी टाइमिंग को लेकर रोहित क्या जानकारी मिल रही है? क्या सर्वे जो है आज होगा, इसके अलावा आगे भी सर्वे जो है वो होगा, कितने दिनों तक ये सर्वे होगा, इसको लेकर क्या जानकारी? और 4 अगस्त तक जो है वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है ये भी कहा जा रहा है, तो इसकी टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी रोहित सामने आ रही है? देखिए जो कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार 4 तारीख को उन्हें एक फाइनल रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर देना है। यानी 4 तारीख को बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान क्या क्या जो तमाम जो बिंदु उठ रहे हैं, जो कुल 10 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, उस पर उन्होंने क्या देखा और तकनीकी रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, उन्हीं बिंदुओं को बना के ये अंदर घुसे हैं। 7 बजे का समय निर्धारित था, उसके पहले लोग आ चुके थे, 7 बजते ही उनको अंदर परिसर में प्रवेश दे दिया गया। जो वजू खाना है वहाँ सिर्फ सर्वे नहीं होगा, वजू खाने को अलग करके बाकी जो परिसर है, जो मस्जिद के अंदर का परिसर है, गुंबद परिसर है, तीसरे जो पीछे की तरफ जो एक ध्वंस किया हुआ जो एक मंदिर है जिसे पुराना विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं, उन सब चीजों का चिन्हांकन अंदर चल रहा है। और जैसा कि देखिए मैंने पहले ही बताया कि इस बार के सर्वे में सारी चीजें स्पष्ट हो जानी है। निष्कर्ष निकालने के लिए एएसआई टीम को पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसे जो भी करना है वो करेगी। जैसे हम उदाहरण के लिए बता देते हैं कि पिछली बार जब कमीशन की कार्रवाई पिछले साल हो रही थी मई के महीने में, तो उसमें सिर्फ आंखों देखी चीजों का वर्णन करना था, वीडियो कराना था। एक हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने एक दीवार को उंगली लगा दिया था तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने उस पर आपत्ति कर दी थी कि नहीं, आप इस परिसर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी उंगली से छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन इस बार बॉडी लैंग्वेज, तमाम जो इक्विपमेंट गए हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ होना है, किसी भी चीज में कोई आपत्ति नहीं दाखिल कर सकता है। फरसा गया है, कुदाल गया है, बाल्टी गया है, झाड़ू गया है, मलवा उठाने के लिए जो तसले होते हैं वो सब कुछ गए हैं। यानी एएसआई की टीम को लगता है कि ये जो मलवा है, दीवार है, सीढ़ी है, जो तहखाने हैं, यहाँ जो मलवे हैं, उसके नीचे कोई हमें सबूत मिल सकते हैं, उसको भी वो हटाने का काम करेगी। यानी सब कुछ निर्णय एक फाइनल रिपोर्ट एएसआई की टीम को, चूंकि एएसआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, उसका जो आज का रिपोर्ट होगा वही एक फाइनल रिपोर्ट होगा। ये पूरा जो विवाद है कोर्ट को फैसला सुनाने में, जो दोनों पक्ष एक एक बिंदु रखते हैं कि ये हमारी चीज है, ये हमारी चीज है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये फोड़ के नहीं बनाया गया है, ये औरंगजेब द्वारा बनाई गई है, किसी चीज को तोड़ा नहीं गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो तमाम जो वहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो हिंदुओं का है, वो पहले से निर्मित था, उसके ऊपर सिर्फ गुंबद रखा गया है। ये सब चीजें जब वहां से आर्कियोलॉजिकल की जो टीम है उन सब चीजों की एक प्रकार से राजा एज को फैक्टर को जांचेगी तो पता चल जाएगा कि वो 350 साल पुराना है कि 2000 साल पुराना है। यदि 350 साल पुराना है तब तो मुस्लिम पक्ष की बात समझ में आती है, उससे कहीं ज्यादा यदि पुराना सर्वे में आती है तो सीधी सीधी बात है कि मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है उनकी बातें सही नहीं है। यानी हिंदू पक्ष की बातें जो है उनका दावा है कि हमारी पुरानी मंदिर है इसको ध्वंस करके ऊपर से गुंबद रख के इसको मस्जिद बनाया गया। तो ये सब सारी चीजें एएसआई के सर्वे में जो इनकी रिपोर्ट और ये
जो एसआई की जो रिपोर्ट होती है पूरी वैज्ञानिक पहलुओं पे आधारित तकनीकी रिपोर्ट होती है। ऐसा नहीं कि हमने आंखों से देखा कि हमें यहाँ टुकड़ा ऐसा लगा, इस टुकड़े में यदि हमें हाथी लगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुओं का प्रतीक है। और हर चीज का एक तकनीकी पहलू है, वो पूरा एज की जाँच करते हैं कि ये जो यहाँ पे जो चूना पत्थर या ये सब जो भी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की गई उनका एज कितना है। और जब उम्र निर्धारित हो जाएगी इस जो यहाँ मलवा पड़ा है या दीवार खड़ी है इनका उम्र कितना है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसी चीज के निष्कर्ष के लिए एएसआई की टीम गई है। बिल्कुल। और देखिए रोहित, चूंकि आज सोमवार का दिन है, ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे होंगे क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के लिए तो भारी संख्या में श्रद्धालु होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती है, तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस बल भी काफी तैनात किया गया है, जिस तरह की तस्वीरें जो है हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज वहां पर किया जा रहा है रोहित? निश्चित रूप से एक तो एएसआई का सर्वे एक बड़ा मामला, ऊपर से सावन का सोमवार, और इस बार थोड़ा ज्यादा हमने देखा पहले सोमवार को ज्यादा भीड़ रहती है लेकिन इस बार ये तीसरा सोमवार है, जरूरत से ज्यादा भीड़ है। चारों गेट जो है लगातार आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, लगातार लोगों का श्रद्धालुओं का जो है आना जाना लगातार लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक साथ जब दो दो मोर्चे जो है दो दो मोर्चे पे पुलिस प्रशासन को आज जूझना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि बनारस में कहा जाए 365 दिन तीज त्योहार इस तरीके का उत्सव रहता है, तो यहाँ की जो पुलिस है प्रशासनिक जो टीम है जो दर्शन पूजन का काम कराते हैं वो पूरी तरीके से कहा जाए अलर्ट मूड में रहते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको बड़े ही स्मूथ गति से उसको निपटाया जा रहा है। चार द्वार है, चारों द्वार से जो श्रद्धालु है उनकी एंट्री दी जा रही है, वो लोग अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था इस बार कर दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी नीति से ये चार नंबर गेट के जो है उसका मुख्य है, आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जो है यहाँ, इस बार कमांडो की टीम भी, इस बार कमांडो भी बुलाई गई है, तो तमाम जो फोर्स हैं इस बार यहाँ नियुक्त किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक चुनौती है बड़ी है, लेकिन चूंकि ये कहते हैं ना कि रोज का मामला हो जाना, जब कोई चीज रोज की हो जाती है और अभ्यस्त हो जाती है तो चीजें थोड़ी इजी हो जाती है, तो यहाँ के प्रशासन के लिए चीजें अब उतनी असामान्य नहीं है, इसको बड़े ही इजी ढंग से निपटाती है, और इस बार भी ये प्रक्रिया बड़े ही मंथर गति से कहा जाए। थोड़ी दिक्कतें हैं, भीड़ है, वाहनों को दूर में ही रोक दिया जा रहा है, काफी लोगों को पैदल जरूरत से ज्यादा चढ़ना हो रहा है, थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है, उमस गर्मी का माहौल है, भीड़ है, लोग इसी में आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, तो एक जो भीड़ है, भीड़ का पॉइंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सब चीज अपने स्मूथ रफ्तार से लगातार चल रहा है और अभी तक कहीं से कोई डिस्टर्बेंस या रुकावट की बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम।